नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हालात कितने खराब हो चुके हैं, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस आलाकमान ने पायलट की लोकप्रियता को देखते हुए सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बना करके बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान को मजबूरन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बिहार का स्टार प्रचारक बनाना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि सचिन पायलट अकेले को बिहार में स्टार प्रचारक बना दिया गया तो कन्फर्म है गहलोत काफी नाराज हो जाएंगे और एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मच जाएगा। कांग्रेस आलाकमान ने इसी घमासान को देखते हुए, इसको बांटते हुए अशोक गहलोत को भी बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में उतारने का फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस सहित पूरी दुनिया जानती है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता जरूर हिंदुस्तान में है, लेकिन अशोक गहलोत का विरोध तो उनके खुद के राज्य में ही हो रहा है। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गहलोत और गहलोत के मंत्रियों को चोर बता रहे हैं, या आप किसी से छुपा नहीं है, अजमेर में किस तरह से जो रघु शर्मा चोर है, जो मंत्री हैं गहलोत के, उनके चोर होने के नारे लगे थे। ऐसे में जिस नेता का अपने ही राज्य के अंदर कोई वर्चस्व नहीं है, उनका खूब विरोध हो रहा है, उनके जो आंदोलन होते हैं उसमें 20 लोगों से ज्यादा कोई पहुंच नहीं रहा है, ऐसे में उस नेता को स्टार प्रचारक बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को स्टार प्रचारक बनाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं एक ही रास्ते पर देखना चाहते हैं। और जिस तरह से राजस्थान जैसे बड़े साम्राज्य का जो जो कमान फिलहाल कांग्रेस के हाथ में है, उसको कांग्रेस आला कमान खोना नहीं चाहती है। कुल मिलाकर के इस बात से जनता ये साफ समझ चुकी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। स्टार प्रचारक बनने के लिए भी दोनों नेताओं को साथ में बुलाना पड़ता है। यदि अकेले पायलट को बुला लिया जाता तो ये साफ था कि अशोक गहलोत फिर से कोई बड़ा घमासान राजस्थान में करते, फिर से पायलट को लेकर के कोई ना कोई तंज कसते। लेकिन अब जिस तरह से सचिन पायलट के जो मीडिया मैनेजर हैं लोकेंद्र सिंह, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अपने ऊपर हुए इस केस को लेकर के, उससे ये तो साफ हो चुका है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अभी तक मनमुटाव काफी ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं जो पायलट को घेरने का काम जो गहलोत की तरफ से किया जा रहा है, उसका विरोध राजस्थान कांग्रेस की जनता कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के युवा नेता फिलहाल पायलट के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से सचिन पायलट ने जोधपुर का दौरा किया था, उस दौरान भी जो गहलोत का गढ़ माना जाता है, वहां भी पायलट समर्थक जो लोग थे उनकी काफी ज्यादा संख्या थी और एक विधायक के साथ 100 से ज्यादा गाड़ियों का लंबा काफिला था। यानी कि अब राजस्थान कांग्रेस में ये तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वर्चस्व बचा है वो सिर्फ पायलट की वजह से बचा है। यदि पायलट जो कांग्रेस के साथ बगावत करते हैं जिस तरह से पिछले दिनों की थी, उस तरह से यदि कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो आप मानकर चलिए कि जो कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार होंगे नेक्स्ट टाइम, उस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने वाली है। इतना विरोध राजस्थान में फिलहाल बढ़ चुका है। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने हाथरस हादसे को लेकर के तेरा रेप मेरा रेप छोटा रेप बड़ा रेप जो किया था, उसी तरह से अब करौली में जो स्पोट्रा के अंदर एक पंडित के साथ हुआ, उसको लेकर के भी अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ट्वीट करके राजस्थान सहित पूरे हिंदुस्तान की जनता को शर्मसार कर डाला है। कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर के तो हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब करौली में जो पंडित की हत्या हुई उसको लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि गोंडा यानी कि यूपी के अंदर एक पंडित की जो गोली मार करके हत्या कर दी गई थी जमीन विवाद को लेकर के, उस पर भी अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए। यानी कि इनको खुद के राज्य के अंदर जो हो रहा है उसको लेकर के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया, ना ही तो करौली को लेकर के, ना ही बारां को लेकर के, ना ही हनुमानगढ़ को लेकर के। यानी कि कई जगह ऐसे हादसे राजस्थान में हो चुके हैं, लेकिन सीएम योगी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि आप वाला कम था, हमारा वाला ज्यादा था, हमारा वाला कम था, आप
बड़ा ज्यादा, कुल मिलाकर के इस तरह का छोटा मोटा रेप करने का काम है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं किया गया। और एक सभ्य और जो बोल सकते हैं कि संस्कृति से भरे हुए नेता की यही पहचान होती है, जिसको सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह से खो चुके हैं। अब अपने ट्वीट करके वो जो करौली के अंदर हुआ उसकी भी कंपेयर अब कहीं ना कहीं जो यूपी के गोंडा में हुआ उससे कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों नेताओं के बीच में मनमुटाव ज्यादा था और इसीलिए कहीं ना कहीं सचिन पायलट को घेरने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज करवाया। 2 महीने पहले का मामला अब कहीं ना कहीं उखाड़ने का काम अशोक गहलोत कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से बाहर निकाला जाए, इसको करके सचिन पायलट को मजबूर किया जाए ताकि वो इस तरह का कोई कदम उठाए जिससे कि अशोक गहलोत उन पर कोई वार कर सके और उन्हें बीजेपी के साथ मिला हुआ बता सके। पहले से भी यही करते आए हैं अशोक गहलोत, जैसे ही पायलट को मजबूर किया गया उन्हें बगावत करने के लिए तो फिर से अशोक गहलोत ने वार करने शुरू कर दिए और कहा कि ये तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, मैंने तो पहले ही कहा था। और अब जिस तरह से 3 सदस्य कमेटी जो बनाई गई थी वो अपनी जो रिपोर्ट फीडबैक रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही है उसको लेकर के अब कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव परिणाम के बाद 3 सदस्य कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, जिसके बाद राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा विस्फोट होना तय है। क्योंकि नगर निगम चुनाव को लेकर के ये तो साफ हो चुका है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की बहुत बड़ी हार होने वाली है और इसी हार का रिपोर्ट कार्ड लेकर के सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान के सामने दिल्ली में डेरा डालेंगे। और जैसे ही सोनिया गांधी के घर पर डेरा डाला जाएगा तो कंफर्म है गहलोत का रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से देखा जाएगा और ऊपर से जो फीडबैक रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें भी गहलोत सरकार का खूब विरोध हुआ है तो कंफर्म है फिर से राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट को सीएम गद्दी पर बैठाने की आवाज उठना शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आवाज उठा रहे हैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट कैंप के विधायक भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने की आवाज उठाना शुरू कर देंगे। ये तो साफ हो चुका है कि जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, यदि इसी तरह से लगातार दोनों नेता आपस में भिड़ते रहे तो पूरे 5 साल तक सीएम अशोक गहलोत सीएम कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे और यदि रह भी गए तो राजस्थान की जनता के लिए किसी तरह की कोई भलाई का काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 2 साल के अंदर 1 रुपए का भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अभी तक 2 साल के अंदर इन दोनों नेताओं के बीच के आपसी झगड़े हैं वही जो चलते आ रहे हैं, दोनों में सामंजस्य नहीं है जिसकी वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, जिसका पूरा घाटा नगर निगम चुनाव में जो कांग्रेस को देखने को मिलेगा। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं के बीच में पड़ी दरार को कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत सचिन पायलट को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने जनता जनार्दन के बीच में जो कांग्रेस की जनता है राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने का काम किया है और पायलट कैंप आज भी इस्तीफा देकर के यदि चुनाव लड़ता है तो कन्फर्म है राजस्थान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जो राजस्थान कांग्रेस के युवा नेता है वो निश्चित तौर पर पायलट कैंप के साथ खड़े होंगे और इसी कारण सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में बढ़ती जा रही है और इसी वजह से पायलट कैंप के विधायकों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और सचिन पायलट कैंप में सेंधमारी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट कैंप के विधायकों से एक एक कर मुलाकात करना शुरू किया और इसी कारण सिविल लाइन्स के आर बार या जहां भी मतलब लगभग 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी मीडिया वाला कैमरा लेकर के नहीं पहुंच सकता, यानी कि जो पायलट कैंप के विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने जाए उसकी किसी तरह की जानकारी पायलट तक ना पहुंचे, इसलिए मीडिया को वहां पर बैन कर दिया गया। सोडाला से लेकर के अजमेर रोड तक सिविल लाइन्स पर कोई भी मीडिया नहीं जा सकता। ऐसे में अब जिस तरह से मीडिया का गला घोटने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है उसके बाद जो बार बार ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस भी बोलती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया का गला घोट दिया है, मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली है, अब ये सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस
कौन से मुंह से ये बात बोलेगी कि मीडिया की स्वतंत्रता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छीन ली है। कहीं ना कहीं संविधान की बात करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद किस तरह से राजस्थान में तानाशाही अपना रहे हैं, आप अनुमान लगा लीजिए कि जिस डिप्टी सीएम के गद्दी पर बैठे इंसान के साथ, डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठे नेता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह से कर रहे हैं तो जनता के साथ वो किस तरह का व्यवहार कर रहे होंगे। करौली को लेकर के फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो यही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब एक हफ्ते भी जाने के बाद में और पीड़ित के परिवार वालों द्वारा राजस्थान छोड़ने की बात कहने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जो चेले चपाटे थे उनको वहां पर भेजने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत तब राजस्थान सहित पूरे हिंदुस्तान की जनता में गिरते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सचिन पायलट को यदि कांग्रेस आला कमान की तरफ से मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठाया जाता है तो आप ये लिख लीजिएगा कि पूरे 5 साल तक सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे। दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं बनने की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य बिठा करके पूरे 5 साल पूरा करवाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से पायलट के साथ बर्ताव किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है, अभी जो नगर निगम चुनाव की टिकट बंटवारे को लेकर के फिर से कांग्रेस में बगावत होगी क्योंकि दोनों में फिर से तालमेल नहीं बैठेगा, ऐसे में कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल पूरे 5 साल तक मंडराते रहेंगे यदि दोनों नेताओं के बीच में आपसी दरार है वो बनी रहेगी तो। कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि कांग्रेस आलाकमान को अब बड़ा फैसला लेना ही होगा और इस फैसले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को सीएम गद्दी पर बैठाना ही पड़ेगा। फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस आलाकमान द्वारा बिहार चुनाव को लेकर के जो अशोक गहलोत को स्टार प्रचारक बनाना, क्या ये कांग्रेस की मजबूरी थी या फिर अन्य कोई कारण, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।